ओके भैया, थैंक यू। वो आ गई जैसी थी। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। बहुत दिन हो गए थे कोई व्लॉग नहीं आया, तो आज हमने सोचा एक रैंडम डेडलिफ्ट सेशन डाल देते हैं। जिम आ गए थे हम आज 3:30 बजे, जो मर्जी हो रहा है, मतलब इतने टाइम के अराउंड ही हम जिम आ गए। और अब फटाफट अंदर चल के हम शुरू करते हैं अपना वर्कआउट। बारिश हो रही थी तो स्टार्टिंग मैंने बाहर रिकॉर्ड नहीं करी, अब हम आ गए हैं। अब देखो छोटी छोटी क्लिप डाल देंगे डेडलिफ्ट की, कुछ सीखने को मिले सीख लेना, बाकी हमें कुछ समझ नहीं आता क्या बना है, तो अब शुरू करते हैं। वार्म अप हो चुका, पसीना थोड़ा बहुत आ चुका। कार्डियो हम लास्ट में करेंगे, कार्डियो का हमें शौक नहीं। बाकी आज क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे डेडलिफ्ट से। सेटअप पूरा तैयार है, अब पहले आपको मिलवाते हैं अपने सर से, गुरुजी से, फिर पूछते हैं आज क्या करना। क्या हाल है भैया? हेलो भाई, इनका नाम है अनुराग भैया, हमारे गुरु जी यही हैं। भैया आज क्या करना है? हमने डेडली बताई तुमने सर, कल रात को डेडली भी करते हैं। कितने से स्टार्ट कर दे? वो 25 से, और फिर 110 130, तीन सेट करिए, खत्म ज़्यादा नहीं। तो फिर अभी वार्म अप करके आपको मिलते हैं, वर्किंग सेट ही दिखाएंगे, हमें कोई वार्म अप नहीं दिखाना, ठीक है? ओके भैया, तो भी दिखा दे आईडी। जा सकते हैं वन रैप के लिए, पर ध्यान रखना है कि इंजरी ना हो, फॉर्म जहाँ गलत होगी वहीं ड्रॉप कर देंगे। अब पीछे आपको दिख रहा होगा वो रेडी हो रहा है अपने सेट के लिए, तो अब इसका भी सेट देखते हैं। मज़ा आ रहा है, डेडलिफ्ट हमेशा से मेरी फेवरेट थी, पर डेडलिफ्ट मेरा डर भी है कि डेडलिफ्ट करते हुए दिक्कत ना हो, तो मैं इसलिए ज़्यादा वेट उठाता नहीं, अपनी औकात से कम ही उठाता हूँ। गाइस डेडलिफ्ट ओवर, भाई ने 130 मारा, मैंने 140 मारा, मैं वेट नहीं गिनता मारते हुए। और एक चीज़ जैसे भी मैंने आपको दिखाया कि वेट वापस रखा था, मैं इस पहले रख चुका हूँ, तभी थोड़ी सांस फूल रही है। और वेट हमेशा अपना वापस खुद रखिए, हेल्पर के ऊपर हमेशा डिपेंडमेंट ना रहे। Yeah.
चौथी एक्सरसाइज और इसके बाद बस हमारी बची है रिवर्स फ्लाई, फिर करेंगे हाइपर एक्सटेंशन ताकि अगले दिन कमर स्टिफ ना हो और फिर करेंगे व्लॉग एंड। भाई वो आखिरी सेट कर रहा है अपना, मैंने इससे पहले कर लिया। ओके भैया थैंक यू। तो भाई जिम में हो गया हमारा खत्म, एडी और मैं आ गए, बारिश हो रही थी बहुत गहरी, तो जब निशित को हमने फोन करा और इसे पता लगा कि हम पे गाड़ी है, तो अबे इसको तो दिखा, तो ये बंदा सूंघता सूंघता आ गया अपने आप। क्या भाई तुम 140 उठा रहे थे, 140 तो मैंने पहले उठा चुका था। तो देखा सामने तो देख के सीधा तो देख के बोल ले। मैं 140 पहले उठा चुका था, इन दोनों ने नहीं उठाया था, ये आज उठाने। मैंने 130 पर हो गया था। मैं हां तो 130 पर हो गया था, 140 तूने भी नहीं उठाया था, फेल वीडियो पड़ी है, उन्होंने उठा दिया था, तो मैंने सोचा आज ही नहीं कर देंगे। चल कौन सा तूने 2-3 दिन से करा जिम सही से? कौन सा? परसों तो छोड़ गया था आधा। हां फिर कल कौन सा करा तूने? अच्छा और तूने क्यों खाट लिया करके? बारिश में से फंस गए। वो आ गई जेसीबी। जेसीबी तो निकल जाएगी, इसको क्या रोकना है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। क्या गिफ्ट क्या है तेरा बर्थडे का? रख लेगा इसको? हाय गाइस साइड खड़ा हो, खड़ा हो, ये तो तुझसे लंबा है, ये खड़े होएगा तो मेरे से। अच्छा खड़ा करूँ इसको? बस ऊपर आ, अरे ऊपर आ, यहाँ पे आ, रुक जा। हाँ आप देख इतने में नीचे आना तू, अब देख इतने में ही तो चलंदा है। उधर आ, पहले बात चल। संभालेगा कैसे इसको? कितने साल का हो गया आज? 8 ईयर। कितने इयर्स? इधर आ। गिफ्ट दे तो दिया बॉस को, गिफ्ट हम रख, हमारी तरफ से रख ले बॉस को, ठीक है? हाँ आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे मेरे नए मैग्नेटिक क्यूबिक क्यूब की। तेरे को कैसे पता इसमें क्यूबिक क्यूब है? क्योंकि मैंने पहले से ऐसे देख लिया था। अच्छा ये कॉलेज है? खुजा कॉलेज है। कपड़े गीले पहन के बैठा था मैं, ये स्टैंड नहीं था। क्या आपको पता है गाइस ये कैसे चलता है? हां मैं तो हमें तो कुछ नहीं आता। अरे खुजा सॉरी, खुलने की आता है। आई बात कर रहा हूं, एक मिनट अभी इसको खोलते हैं फिर दिखाते हैं। आप भी गाइस देखो खोल लिया, कैसे कैसे भाई बहुत रूड है, हो ही नहीं रहा, कोई फास्ट मेरे से फास्ट ही नहीं हो रहा। ये देख सकते हैं वो दोबारा हो गया, बड़ा लंबा हो जाएगा ये। अरे हो नहीं रहा, अरे खराब हो गया, खराब हो गया भाई। कवर भी है एक बार भाई मुझे दिखा, एक ओ बहुत स्मूथ है सच में, दिखा एक बार भाई। तो मन क्या कह रहा था अभी तू? अरे भाई अगर गाड़ी ठुक गई तो क्या होगा? फिर क्या होगा?
और वैसे भी सही रहेगा, गाड़ी डूब देगी, पापा नई फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे, हमारी 5-6 साल पुरानी गाड़ी टूट जाएगी, क्योंकि सोनी भाई कह रहे हैं उसको तो मैनुअल चलाना वो भूल गया, वो तो हर रोज ऑटोमेटिक क्रिस्टा चलाता रहता है। तो फिर तुम फॉर्च्यूनर लोगे अगली? हां भाई बढ़िया। बर्गर खाएगा? बर्गर फॉर्च्यूनर तो बंद हो गई। कोई नहीं भाई, क्रिस्टा ले लेंगे, उसमें क्या जाना है, भी बंद हो गई। क्रिस्टा बंद हो गई। अच्छा बेटा, मैं हर जगह मार्केट में देख रहा हूँ, क्रिस्टा का प्राइस बढ़ता जा रहा है। और क्या भाई, बंद होने वाली है इसलिए बढ़ रहे। तो भाई अभी खरीद लेगा ना, तू अभी ठोक देगा, हम अभी खरीद लेंगे, मोटा पैसा है। यही तो स्मार्ट लोगों की स्मार्ट सोच होती है। क्यों ही चले पानी मार के ले कम